डाउन है और अभी के लिए मॉडल भी डाउन है, मॉडल को यहाँ पे रिवाइज कर दिया जाएगा। वाट जॉन डाउन है, वाट जॉन को पूरी तरह से फिनिश भी किया गॉडल ओके के द्वारा, बट अभी के लिए वाइपर अपने आप को हील करेंगे। मिस्टर स्प्रे की बात करें दूसरे साइड से रोटेट करके मैक्स से नीचे बैठे हुए टीम तमिलास के भी दो मेंबर डाउन है और दो मेंबर उनके भी डाउन है। सोल सांगवान पूरी तरीके से फिनिश हुए मैक्सी के द्वारा। अभी के लिए मॉर्टल को रिवाइव किया जाएगा, अच्छे खासे टाइम को उनको रिवाइव किया जाएगा। मैक्सी की बात करें तो वो नीचे के साइड पे अभी भी होल्ड करके बैठे, नेट वगैरह आया तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है सोल स्क्वाड को। सामने भी तीन मेंबर जिंदा है और इनके पास भी तीन मेंबर जिंदा है, एक मेंबर को रिवाइव किया जा रहा है। मैक्सी की बात करें अभी भी नीचे के साइड पे थोड़े से फुटस्टेप्स वगैरह सुनाई दे गए होंगे। अभी के लिए स्ट्राइकर को रिवाइव किया जाएगा, स्ट्राइकर ही स्ट्राइकर रिवाइव हो चुके हैं। कैरी अभी भी ब्लीड आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, गॉडल स्क्वाड काफी ज्यादा क्लोज है, वो भी मे बी थोड़ा बहुत शॉट देने की कोशिश कर सकती है। वाइपर एक नेड उन्होंने किया था बट कंफर्म नहीं कर पाए, मॉर्टल अभी भी ऊपर के साइड पे, मिस्टर स्प्रिट मे बी स्पॉट कर सकते हैं। गॉडल क्रॉन्टन वहां पे ड्रॉप लूटते हुए नजर आएंगे, स्ट्राइकर डाउन हुए वाइपर के मिनी से और वाइपर ने तुरंत गन स्विच की, M4 पे आए और पूरी तरीके से फिनिश भी किया। गॉडल के मेंबर्स अब शायद थर्ड पार्टी कर सकती है ऊपर से, मॉर्टल अंदर के साइड पे आए, उनके पास AKM है। मिस्टर स्प्रे अंदर के साइड पे बैठे हुए, अभी भी एक नेड आया है मिस्टर स्प्रे पे, पीछे के साइड से आएंगे और शायद AKM से नॉकआउट हो जाएंगे। HP उनकी काफी ज्यादा कम हो चुकी है। उजी आई और मावी दूसरे साइड पे दिखाई दे रहे हैं, गॉडल क्रॉन्टन और बाकी सारे मेंबर रश करेंगे। बाकी रेवन के दो मेंबर बाहर के साइड पे, काफी ज्यादा प्रॉब्लम तो होने वाली है। बढ़िया स्प्रे आता हुआ उजी का मैक्सी को डाउन किया और अभी के लिए टीम तमिलास का केवल एक आखिरी बंदा बचा हुआ, ऊपर जाना पड़ेगा। सोल की स्क्वाड अभी के लिए ऊपर के साइड पे थी बट अभी टीम तमिलास का जो एक आखिरी बंदा बचा हुआ है वो ऊपर के साइड पे, आई गेस कैरी ओपी वो भी रुका। चिकन इतना जूसी जो बात बदल दे, जो लिशियस है वो डिलीशियस। फाइव हो गए थे अकेले बच्चे अपनी टीम से। वाइपर की बात करें तो थोड़े बहुत शॉट्स उन्होंने कनेक्ट किए थे, फैनेटिक के XYZ डाउन हुए हमारे शैडो के द्वारा, मार्को गेमिंग के शैडो के द्वारा फिनिश हुए और अभी के लिए कैरी भी डाउन और इसी के साथ टीम तमिलास फिनिश होती हुई। बट गॉडल के पास अच्छा खासा चांस है कि वो पीछे से थर्ड पार्टी कर सकते हैं, बट वार की स्क्वाड भी पीछे से थर्ड पार्टी कर रही है गॉडल को। गॉडल स्क्वाड थर्ड पार्टी करने आई थी सोल को, बट खुद थर्ड पार्टी होते हुए नजर आ रही। परफेक्ट ने यहाँ पे डार्क को फिनिश किया और वार दलजीत नॉक आउट हुए क्रॉन्टन के द्वारा। अच्छा खासा AKM का स्प्रे आया है उनके पे, वार एंटो रश करेंगे दूसरे साइड से। एक और स्क्वाड मुझे टीम नंबर 21 भी दूसरे साइड से दिखाई दे रही है, क्रॉन्टन 5-10 HP पे जिंदा है और इस बार नॉकआउट हो जाएंगे वार एंटो के द्वारा। टीम नंबर 21 भी आई गेस रश कर रही है उनके साइड पे, यस एंटिटी स्क्वाड भी रश करते हुए। चार स्क्वाड की एक साथ फाइट देखने को मिल रही है। कैरी BTC नीचे के साइड पे, उनको भी डाउन किया जाएगा। बाकी गॉडल के दो मेंबर आगे के साइड पे थे, एक नोट नेट की कुक किया है, फेरेटिक की स्क्वाड भी एलिमिनेट हो चुकी है। कैरी को पूरी तरीके से फिनिश किया, स्मोकी अंदर के साइड पे नेट किया है गॉडल ओके, बहुत ज्यादा प्यारा नेट वाइपर के द्वारा और नॉक्ड आउट हुए। एंटिटी स्क्वाड को अभी के लिए देखना पड़ेगा वो किस तरीके से रश करते हैं। एक और नेट आया, रेगल्टोस यहां पे नेड करने की कोशिश की है बट मॉर्टल डाउन करते हुए क्लच गॉड को। एंटिटी स्क्वाड थोड़ी सी प्रॉब्लम में आ सकती है, थोड़ा सा उनके पास रेज एडवांटेज है तो सही बट गॉड की पूरी स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए। बाकी वार की बात करें तो एंटिटी को उन्होंने स्पॉट किया, दलजीत का कार 98 का शॉट बट अभी के लिए मिस किया। वार एंटो ने डाउन किया एंटिटी नियो को और मे बी वार रश करना चाहिए बट वहां पे एक स्क्वाड पहले से ही है तो मे बी थोड़ा सा होल्ड करेगी तो ज्यादा बेटर रहेगा। बर्जी और दूसरे साइड पे एंटिटी नियो काफी ज्यादा दूर है अपनी टीम से। जोनाथन दूसरे साइड से आई गेस कार 98 चला रहे थे या क्या पता नहीं बट दलजीत को बहुत ज्यादा शॉट पड़ा है, अभी के लिए हील करेंगे अपने आप को। की डाउन हो गए, सेल्स के अल्ट्रॉन दूसरे साइड से रोटेट कर रहे हैं। वार दलजीत जो नॉकआउट थे फिनिश हो गए, अल्ट्रॉन सामने से जा रहे हैं गाड़ी बस होने के सिचुएशन में। वाइपर भी फिनिश हो गए, अल्ट्रॉन गाड़ी से कूदे तो सही बट क्या तो उसका बढ़िया रिफ्लेक्स देखने को मिलता हुआ। अल्ट्रॉन को डाउन किया, पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। HP काफी ज्यादा इनकी कम हो चुकी है। आतंकी की गाड़ी भी बस होने वाली है, रेगल्टोस प्लेस उनके बाहर डाउन हुए। अभी के लिए क्रैथोस को हील करना पड़ेगा खुद को, रिलोड भी करेंगे गाड़ी बस सिचुएशन में, फोड़ेंगे गाड़ी को पहले टायर फिर उसके बाद व्हीकल। आतंकी के पास एक अच्छा खासा पेड़ का कवर है, क्रैथोस लेटेंगे अकेले बचे हुए अपनी टीम से। अल्ट्रॉन की बात करें तो वो पोजीशन जरूर बता रहे होंगे आतंकी को। एक नेड आया है, काफी ज्यादा क्लोज नेड और डैमेज बहुत ज्यादा दिया, लगभग 60% हेल्थ इनकी खा गए। बाकी रॉक्स भी ऊपर के साइड से आएंगे और क्रैथोस को देखते हैं 1v2 का सिचुएशन किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। रॉक्स ऊपर के साइड पे ही आ गए, डाउन करेंगे रॉक्स को, रॉक्स को भी डाउन किया क्रैथोस ने बट गाड़ी के नीचे से शॉट पड़ा आतंकी का और INDY स्क्वाड प्यारा खेले बट एलिमिनेट हो निकल रहे। आई गेस वार अभी अकेले बचे हैं या क्या बट पता नहीं। वो एलिमेंट के दोनों एलिमेंट्रिक्स के दोनों मेंबर्स डाउन हो गए और टोटल 9 किल्स आता हुआ। मॉर्टल ने यहाँ पे 1v2 का क्लच किया और अपनी टीम को अभी तक सरवाइव करके रखा है, उनको फिनिश किया गया। बिग बास्केट प्रेजेंट्स 100% कैशबैक ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, यूज कोड फर्स्ट 1000। आई नो इट्स कीपिंग यू अप एट नाइट, यू हैव अ क्रेडिट कार्ड, यू थिंकिंग इट्स कीपिंग यू अप एट नाइट।
मॉर्टल पे यहाँ पे पुश हो चुका है। आई गेस टीम नंबर 4 है, सेल्स के मेंबर्स हैं जो रश कर रहे हैं। एक को डाउन किया, अल्ट्रॉन को डाउन किया, हेल्थ काफी ज्यादा कम है, नेट किया था मॉर्टल ने, डाउन किया पूरी तरीके से, अल्ट्रॉन को फिनिश किया, बट आतंकी अंदर के साइड पे आए। ओके, आतंकी डाउन हुए थे, मॉर्टल को यहाँ पे डाउन किया था रॉक्स ने, आतंकी अंदर के साइड पे डाउन है और पीछे से एंटिटी स्क्वाड थर्ड पार्टी सेल्स पे कर रही थी। नेट काफी ज्यादा अच्छा था वो मॉर्टल का, डाउन किया और पूरी तरीके से एलिमिनेट हो गए मेंबर्स, बट अभी के लिए यहाँ पे एंटिटी रश गेम प्ले दिखाते हुए आतंकी डाउन और सेल्स की स्क्वाड पूरी तरीके से इंस्टेंट फिनिश होते हुए। आई गेस एंटिटी के दो मेंबर्स जिंदा हैं, जोनाथन और तीन मेंबर्स जिंदा हैं, जोनाथन क्लच गॉड और जी गॉड जिंदा हैं, बाकी के मेंबर्स बाकी के नियो डाउन हो चुके हैं। 5 किल्स हैं इनके पास, बढ़िया रश गेम प्ले देखने को मिलता है और मॉर्टल का बढ़िया नेट था वहां पे, डाउन किया और पूरी तरीके से फिनिश भी कर गए। बाकी टीम नंबर 15 की बात करें, टीम नंबर 21 की काफी ज्यादा क्लोज है, एंटिटी स्क्वाड के काफी ज्यादा क्लोज है, क्लच गॉड वहां पे अकेले हैं अभी के लिए, बाकी के मेंबर्स ऊपर के साइड पे हैं, केवल 8 बिट स्क्वाड जोन के अंदर है और एंटिटी के जोनाथन और जी गॉड जोन के अंदर आ चुके हैं। बाकी क्लच गॉड को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, उनके पास व्हीकल है, जोन के अंदर इजी निकल जाएंगे। अक्षय थोड़ा सा एसकेएस का टैप शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं, बट डेड की स्क्वाड ने बहुत अच्छा खेला है, अभी के लिए 0 किल्स है बट पोजीशन अच्छे खासे उन्होंने होल्ड किए हैं। केवी यहां पे है, मार्कोस गेनी के मैक्सकस और पानसिंग शैडो मुझे दिखाई दे रहे हैं ऊपर के साइड पे, मैंको यहां पे थोड़ा बहुत शॉट्स पड़ा है। डी के मेंबर्स जिंदा है यानी वो देखना पड़ेगा, बाकी जी गॉड और जोनाथन ऊपर के साइड पे, जोनाथन थोड़े बहुत कार्नाइटेड का शॉट देने की कोशिश कर रहे हैं, यश ने भी शॉट दिया और जोनाथन ने भी शॉट दिया, बट यश का शॉट थोड़ा सा अलग ही पड़ता हुआ, बट जोनाथन को डैमेज किया, काफी ज्यादा डैमेज इनको पड़ी है अभी के लिए। हेलमेट वेस्ट थोड़ा सा सही सलामत है बट डैमेज काफी ज्यादा हो चुका है। यश एक बार और पीक करेंगे तो दैट कार 98 का शॉट, 1 एचपी थे, वो अपने आप को हील कर रहे थे और अच्छे टाइम पे उन्होंने हील किया। बाकी डेड आइस के रेटेड गिर के नॉकआउट हुए, रेटेड को पूरी तरीके से फिनिश किया स्वाइडर ने, अभी केवल शिफू आई गेस बचे हुए अपनी टीम से। डेड की स्क्वाड पीछे से आ रही है, जोनाथन ने स्पॉट किया, जीगॉड ने भी स्पॉट किया, डेड के बर्नी डाउन होते हुए रेवेंज के मेंबर्स नीचे के साइड पे, डेड की स्क्वाड काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और इसी के साथ एलिमिनेट भी हो गई। 5 किल्स है डेड के पास, सॉरी एंटिटी के पास कोई भी किल नहीं आया, डेड के मेंबर्स प्ले जोन के बाहर ही डेड हो गए। अभी के लिए 8 बिट स्क्वाड पे जोन है और टीम नंबर 21 को जोन के अंदर जाना है। रेवेंज की स्क्वाड काफी ज्यादा क्लोज है यहाँ पे, एंटिटी स्क्वाड के जोनाथन ने स्पॉट किया है उनको या नहीं किया है, पीछे से अगर रेवेंज थोड़ा सा भी शॉट देने की कोशिश करेंगे तो इजी नॉकआउट कर सकते हैं शैडो। गाड़ी लेके निकलते हुए डैमेज काफी ज्यादा बट पीछे से शॉट्स पड़ा, जोनाथन को डाउन किया यहाँ पे बॉस ने, मैसी की बात कर रहा था, अगर पीछे ध्यान नहीं देंगे तो डाउन हो सकते, वही हुआ, जोनाथन को डाउन किया और फिर देखिए फिनिश भी किया। जी गॉड दूसरे साइड पे है, बाकी सोनिक फॉक्स और बॉस बची अपनी टीम से, जिगॉड को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। 8 बिट यश डाउन करते हुए शैडो को, बढ़िया नेड आता हुआ वहां पे, क्लच गॉड यहां कहीं थे, यस बिल्कुल क्लच गॉड के काफी ज्यादा क्लोज है। 7 एक मॉली की थी, आई गेस क्लोज तो नहीं थी बट 7 पूरी तरीके से स्पॉटेड है, क्लच गॉड ने भी स्पॉट कर रखा उनको, थोड़ा बहुत शॉट देने की कोशिश करेंगे। एंटिटी स्पॉट जोन के अंदर है नहीं, उनको जोन के अंदर निकलना पड़ेगा। इस रोड का थोड़ा सा पार्ट आई गेस जोन के अंदर है तो रेंज के जोन के अंदर पहुंच सकते हैं, बट रेवेंज के सोनिक फॉक्स डाउन हुए जिगॉड के द्वारा, जिगॉड भी एक अलग ही लेवल का गेम प्ले दिखा रहे हैं। 1v1 का सिचुएशन है, रेवेंज बॉस वर्सेस एंटिटी जी गॉड, देखते हैं क्या सिचुएशन यहां पे हो सकता है, बट लेवल 3 का जो वेस्ट है वो बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है। एक नेड आया, शिफू भी डाउन, इसी के साथ डेड आइस पूरी तरीके से एलिमिनेट हो चुकी है, सोनिक फॉक्स को एलिमिनेट करेंगे। 6 किल्स अपने नाम किया, जी गॉड पे एक और नेड आया, बॉस पूरी तरीके से फिनिश हुए अक्षु के द्वारा और किल फेड जरूर पड़ी हुई। क्लच गॉड ने डाउन किया यहां पे माफिया को, क्लच गॉड भी डाउन हो गए और जी गॉड को यहां से निकलना पड़ेगा, बची है बट टायर वगैरह आई गेस बर्स्ट हो चुकी है, हील ही करना पड़ेगा अपने आप को। एसजी के मेंबर्स अभी भी जिंदा है, उनके पास जोन तो नहीं है बट श्योर इजी जोन के अंदर निकल जाएंगे। आई गेस इनका जो एक मेंबर है टेड वो जोन के अंदर है, यस जोन के एज पे बैठे। मार्कोस गेमिंग के मेंबर्स अभी भी जिंदा है शायद, बाकी 8 बिट स्क्वाड फिर से शॉट्स देंगे, स्ट्राइडर और बाकी सारे मेंबर यश यहाँ पे, क्लच गॉड को पूरी तरीके से फिनिश किया गया। टेड जोन के एज पे है बट स्ट्राइडर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ चुका है, स्मोक करेंगे अपने आप को हील करेंगे। 8 बिट के चार मेंबर्स जिंदा है और शायद इजी चिकन डिनर निकाल सकती है 8 बिट स्क्वाड, अगर सैंडविच नहीं हुए तो शैडो और बाकी सारे मेंबर मे भी सैंडविच कर सकते हैं, बट जी गॉड प्ले जोन के बाहर डाउन। एंटिटी स्क्वाड भी फोर्थ पोजीशन पे एलिमिनेट हो चुकी है, टेड डाउन हुए, अक्षु की बात करें वो भी डाउन हो गया, शैडो का बढ़िया स्प्रे आता हुआ, लेजर स्प्रे आता हुआ, 8 बिट माफिया दूसरे साइड पे बट यश स्पॉट करेंगे यहाँ पे शैडो को और मैक्स का अकेले बचे हुए हैं अपनी टीम डॉट है, अक्षय और माफिया फुल तरीके से स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। टेड दूसरे साइड पे, यश डाउन हुए टेड के द्वारा, बाकी अभी 3v1v1 का सिचुएशन है, यश को अगर फिनिश कर पाए तो फिर ज्यादा सही रहेगा। माफिया अभी भी दूसरे साइड पे है, M249 का स्प्रे के देंगे, यश को पूरी तरीके से फिनिश किया है। टेड खत्म होते हुए 1v3 का सिचुएशन होता हुआ मैक्सकस के लिए, रैंडम शॉट्स आता हुआ 8 बिट के द्वारा, बट अभी के लिए पूरी तरीके से रिलोड करेंगे M249 और देखते हैं 100 एमओ के साथ किसको नॉकआउट कर सकते हैं। माफिया पे काफी ज्यादा डैमेज दिया, लगभग 60% उनकी हेल्थ अभी के लिए बची है, गाड़ी ब्लास्ट कर दी है। मार्क्स को जोन के अंदर निकलना पड़ेगा, 27 मीटर दूर जोन के अंदर जाना है, मॉली भी आगे के साइड पे ही है, गिली सूट पहने इसलिए इजी नहीं होगा स्पॉट करना, बट माफिया दूसरे साइड से अभी भी रोटेट करते हुए
स्पॉट कर गए और एक्सिलस डाउन मैच फिनिश और 8 बिट स्पॉट आई गेस 8 किल्स के साथ या फिर 9 ओके ठीक है 9 किल्स के साथ चिकन डिनर।